Dear students, welcome in the lecture on nomenclature of coordination compounds. तो प्यारे बच्चों, जो coordination compounds के introduction के continuation में अब हम इस video lecture में पढ़ेंगे nomenclature, कैसे हम coordination compounds को नाम देंगे. तो कैसे हम नाम दे सकते हैं उसके कुछ स्टेप्स हम देखेंगे और इस वीडियो को पढ़ के आपके समझ में आ जाएगा. आप किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को नॉमिनेट कर सकते हैं. तो जब भी हम किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को नॉमिनेट करते हैं, उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, तो जनरली IUPAC से करते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसका नॉमेनक्लेचर सिस्टम है. और जो पहला स्टेप होता है जनरली नॉमेनक्लेचर का, वो होता है सबसे पहले हम किसको नेम देते हैं, हम नेम देते हैं आयन्स को. तो आयन्स को नेम देते हैं. यहाँ पर मैंने जो एग्जाम्पल दिए, हालांकि ये सिंपल सॉल्ट से है, ये आप देखेंगे ये कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स नहीं है, बट इनके एग्जांपल्स मैं आपको बताना चाह रही हूं कि कैसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी सबसे पहले आयन को नेम देते हैं. और आयन में भी देखिए कई तरीके के आयन प्रेजेंट रहते हैं उसमें. जो कॉम्प्लेक्स आयन होगा उसमें भी आपने देखा कि एक काउंटर आयन होता है, एक कॉम्प्लेक्स आयन होता है. तो उन दोनों आयन में से देखिए, ये है हमारे पास इस तरीके के कॉम्प्लेक्स पॉसिबल है. ओके, तो एक कॉम्प्लेक्स तो ये है जहां पर आप देखेंगे इसके ऊपर प्लस चार्ज होगा और यहां पर एक्स होगा. ओके, और एक कॉम्प्लेक्स आप देखेंगे जहां पर Ml6 होगा और इसके ऊपर माइनस चार्ज होगा और यहां पर क्या होगा, कुछ एक यहाँ पर काउंटर आयन होगा. तो दो तरीके के कॉम्प्लेक्स हैं. तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिव है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव है. काउंटर आयन पॉजिटिव है, यहाँ पर काउंटर आयन नेगेटिव है. तो हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स में सबसे पहला जो नाम देंगे वो आयन को देना. आयन में हमें सबसे पहला नाम किसको देना है, पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन को सबसे पहले नाम देना है. जैसे हम देखेंगे FeCl2, तो FeCl2 में हम सबसे पहले नाम किसको देंगे, इस आयरन को, आयरन. ओके, तो पहला हम ये दिखा रहे हैं कि देखिए पोटेशियम को नाम पहले देते हैं. तो जब भी हमारे पास दो आयन है, एक पॉजिटिव आयन है एक नेगेटिव आयन है, तो पहले नाम हम किसको देते हैं, पॉजिटिव आयन को. इन द सिमिलर वे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के केस में भी हम पहले नाम किसे देते हैं, आयन को. वो भी कौन से आयन को, पॉजिटिव आयन को. तो आप देखिए यहां पर आप देखेंगे कि ये K4FeCl6 एक क्या है, एक आप देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है. और जहां पर अगर आप इन दोनों में देखेंगे तो इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है और इस पूरे कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव आयन. तो मुझे पहले किसका नाम लिखना है, इसका जो कि पॉजिटिवली चार्ज है. तो मैं पहले क्या कहूंगी, देखिए पोटेशियम. ठीक है, तो पॉजिटिव आयन का नाम पहले आना है. तो हमने लिख के दिखाया कि पॉजिटिव आयन सबसे पहले लिखेंगे. उसके बाद आप देखेंगे जो कॉम्प्लेक्स आयन है, जो कॉम्प्लेक्स आयन होगा उसका पूरा नाम एक साथ आएगा विदाउट एनी गैप. तो ये बाकी जो नाम है वो विदाउट एनी गैप आएगा. जैसे आप देखेंगे कि यहां पर कोई भी कैटायन नहीं है, यहां पर कोई एनायन होगा. तो देखिए ये जो इस कॉम्प्लेक्स आयन यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जितना पार्ट है वो पूरा विदाउट एनी स्पेस हमने लिखा हुआ है. तो पहला रूल तो ये है कि हम जब भी नॉमेनक्लेचर उस पर अप्लाई करेंगे किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो पहले हम कैटायन का नाम लिखेंगे, फिर हम पूरे कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिखेंगे विदाउट एनी स्पेस, किसी स्पेस के बिना. ओके, अब अगर हम इसकी पूरी प्रोसेसिंग देखें कि हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं, तो हम इसके लिए एक हमने डायग्राम बनाया है. तो आप ये देखेंगे सबसे पहले हमने क्या करना है बच्चों, नेम ऑफ पॉजिटिव आयन. तो सबसे पहला जो स्टेप हम रखेंगे, पहले पॉजिटिव आयन को नेम देंगे. ठीक है, उसके बाद हमें किसको नेम देना है, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन है उसके अंदर जो लिगेंड है, उन लिगेंड्स को नॉमेनक्लेचर देना है. उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है और उनके प्रीफिक्स में हमें नंबर डोनेटिंग जो कितने उसमें लिगेंड्स हैं उसको प्रीफिक्स में लगाना है. ओके, अभी आप देखेंगे कैसे कैसे होगा. उसके बाद हमें सेंट्रल मेटल एटम या आयन का नाम लिखना है. तो पहले पॉजिटिव आयन का नाम लिखना है, फिर लिगेंड का लिखना है जो कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर है, फिर हमें उसमें भी लिगेंड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है और प्रीफिक्स में नंबर ऑफ लिगेंड्स लगा देने. फिर हम मेटल आयन को देंगे और मेटल आयन को जब हम देंगे तो ये दोनों जो है, देखिए ये जो
दो नाम है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर के नाम है, मतलब पहले पॉजिटिव आयन को नाम देंगे फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर को देंगे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर को अगर आप देखेंगे तो उसमें तीन चीज आएंगी, एक तो आएगा लिगेंड, एक आएगा मेटल और तीसरा आएगा जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी मेटल के ऊपर। तो ये जो भी मेटल आयन हम लिखेंगे उसकी पेरेंथेसिस में हम ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेंगे, उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे नेगेटिव आयन को नाम देंगे आयनिक कंपाउंड के केस में। तो पहला स्टेप पॉजिटिव आयन को नाम देना है, दूसरा स्टेप ये तीनों मिला के कोऑर्डिनेशन स्फीयर बना रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर को नाम देना है, और तीसरा स्टेप है कि जो नेगेटिव आयन है उसको हमने नाम देना है। तो अब देखिए सेकंड स्टेप में आ गए कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर को कैसे हम नाम करेंगे। उसके लिए मैंने आपसे कहा कि हमें सबसे पहले जो नाम देना है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में किसका देना है, लिगेंड का देना है, और लिगेंड का देने के बाद ही हम किसका देंगे सेंट्रल मेटल आयन का अलोंग विद इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर को हम पैरेंथेसिस में रखें। अब देखिए ये जो कंपाउंड है इसका नाम अगर हम देखें तो हमने क्या रखा है, देखिए ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो सबसे पहले हम लिगेंड कितने हैं चार, तो कितने आ गए टेट्रा, क्या है कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल, क्या है निकिल, निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर जीरो है। तो हम देखिए विदाउट एनी गैप हमने ये नाम लिखा और उसके बाद हमने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दी। तो पूरे कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम हम कैसे देंगे, इस तरीके से हम शो करेंगे। एंडिंग नेम कैसे होगा, एंडिंग नेम अगर आप देखेंगे अगर कॉम्प्लेक्स आयन जो है वो एनायनिक है तो एट हम सफिक्स लगाएंगे, ठीक है, और अगर वो पॉजिटिव है तो हम एट नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जांपल आप देखिए, अब आप फिर से देखिए इसका नाम, ये सबसे बाहर जो आयन है पॉजिटिव आयन कौन है पोटेशियम, तो सबसे पहले हमने इसका नाम दे दिया पोटेशियम। फिर ये पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसमें लिगेंड कौन है क्लोरो, क्लोरीडो भी लिखते हैं क्लोरो भी लिखते हैं, कितने हैं चार, सो टेट्रा क्लोरीडो। अब ये क्या है देखिए एच जी, अगर आप इसको देखेंगे तो ये किस में टूटेगा के प्लस प्लस एच जी सी एल फोर और टू माइनस, तो ये क्या है इसके ऊपर माइनस चार्ज, ये क्या है एनायन स्पीसीज, इसलिए एट लगा दी, देखिए मर्क्यूरेट, उसके बाद हमने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दी प्लस टू। तो इस तरीके से हम नॉमेनक्लेचर करेंगे। अब स्टेप थर्ड में हमें क्या करना है, जो एनायन बाहर प्रेजेंट होगा उस एनायन का नाम हमें देना है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नाम के बाद। तो तीन ही चीजें होती हैं, या तो उसमें एक पॉजिटिव चार्ज होगा, या उसमें फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा, और उसमें नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। तो हम देखेंगे कुछ कॉमन लिगेंड्स के अगर हम नेम देखें, पहले हमें यह भी पता होना चाहिए कि लिगेंड्स को हम कैसे कैसे कह सकते हैं। लिगेंड के प्रीफिक्स में हमें डाई टाई टेट्रा लगाना है जब वो लिगेंड सिंपल लिगेंड होते हैं, लेकिन अगर वो लिगेंड कैसे होते हैं कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स लिगेंड होते हैं तब हम बिस ट्रिस टेट्रा के इस तरीके की टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं प्रीफिक्स में। देखिए अगर मेरे पास जो है वो इथाइलिन डायमीन है तो इथाइलिन डायमीन में पहले ही डाई आ चुका है, तो फिर मुझे अगर दो इथाइलिन डायमीन है तो मैं कहूंगी बिस इथाइलिन डायमीन, तीन है तो मैं कहूंगी ट्रिस इथाइलिन डायमीन। तो और लेकिन सिंपल अगर लिगेंड होंगे जैसे मेरे पास एक्वा है NH3 है तो उस केस में मैं टेट्रा या पेंटा लिखूंगी। तो कॉम्प्लिकेटेड लिगेंड का मतलब है कि जनरली वो उसमें एक से ज्यादा डोनर एटम होते हैं, कॉम्प्लेक्स टाइप के होते हैं, वहां पर हम प्रीफिक्स में क्या लगाते हैं बेस ट्रेस टेट्रा केस। अब इनके अगर हम नाम देखेंगे तो आप देखेंगे कि लिगेंड भी कई तरीके के होते हैं, देखिए ये न्यूट्रल लिगेंड है जो ब्लू कलर से दिखाए, न्यूट्रल लिगेंड को सिंपल हम दिखाते हैं एक्वा, ये अमीन है, कार्बोनिल है, नाइट्रोसिल है, फिर ये जो लिगेंड आपको दिखाए हैं ये एनायनिक लिगेंड है, देखिए सारे के सारे, और इनके लास्ट में हम क्या लगाते हैं ओ लगाते हैं। लिगेंड के नाम भी हमें पता होना चाहिए, फ्लोरो क्लोरो क्लोरीडो भी लिखते हैं, फ्लोरीडो भी लिखते हैं, ब्रोमीडो भी लिखते हैं, आयोडो हाइड्रोक्सो साइनो, इसका मतलब है कि ये सारे क्या है नेगेटिव चार्ज है और हम इसमें लास्ट में क्या लगाते हैं ओ, ठीक है। अब आप देखेंगे ये जो येलो कलर से हमने दिखाए हैं ये क्या है, देखिए पॉजिटिवली चार्ज हैं तो इसमें हम क्या लगाते हैं ईएम, जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं उसमें हम ईएम का यूज करते हैं। तो हमें साफ पता चल जाता है कि हमारा जो लिगेंड है वो किस तरीके का चार्ज उस पर है। अब आप देखेंगे ये जो मैंने लिगेंड लिखे हैं दे आर कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ लिगेंड, और कॉम्प्लेक्स जो लिगेंड है उनका एब्रीविएशन यूज करते हैं हम, जैसे ईएन इथाइलिन डायमिन को हम ईएन कहते हैं, पाइरिडीन को हम पीवाई कहते हैं, ऑक्सिलेट को हम ओएक्स कहते हैं, ये उनके शॉर्ट नेम है। और ये जो लिगेंड है ये वही लिगेंड है जिनकी बात मैं कर रही थी जो कि कॉम्प्लेक्स होते हैं, जनरली इनके प्रीफिक्स में जो नंबर आता है वो बेस ट्रेस टेट्रा के इस तरीके से उसमें नाम आता है,
ठीक है। अब हमारे पास एक और तरीके के लिगेंड हैं जिन्हें हम ब्रिजिंग लिगेंड कहते हैं, ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। तो जो ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको भी नाम देने का तरीका है। तो जहां पर जो भी ब्रिजिंग लिगेंड होगा, ठीक है, उसको हम एक प्रीफिक्स से दिखाएंगे म्यू, इसका मतलब वो ब्रिजिंग है। और उसके पहले और उसके बाद में हम क्या लगाएंगे, एक हाइफन लगाएंगे, मतलब मैं ऐसे यूज करूंगी म्यू डैश, इसका मतलब है जो भी लिगेंड मैं इसके बाद लिखने वाली हूँ वो ब्रिजिंग लिगेंड होगा। ओके, और हर समय हमें इस ब्रिजिंग, जितने भी ब्रिजिंग लिगेंड होंगे उनके लिए हमें उतनी बार म्यू लगाना पड़ता है। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, डाई ट्राई बिस्ट्रिस, ये प्रीफिक्स में हम लगाएंगे। फिर हम क्या लिखेंगे, मेटल, मेटल के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, देन हम फिर क्या लिखेंगे, नेगेटिव स्पीसीज लिखेंगे। तो हम देखेंगे किस तरीके का कॉम्प्लेक्स है, इसका कैसा चार्ज है। तो अब हम कुछ कॉम्प्लेक्सेस के नाम देखेंगे। देखिए ये जो कॉम्प्लेक्सेस हमने लिखे हैं यहाँ पर, आप देखेंगे ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हैं, मतलब इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर करेंगे। देखिए चार सीओ है, तो टेट्रा कार्बोनिल निकल जीरो। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आयरन के ऊपर सेकंड इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि साइक्लोपेंटाडाइनाइल है। साइक्लोपेंटाडाइनाइल ये क्या है, ये फॉर्मूला थोड़ा ठीक कर देते हैं, यहाँ पर टू है। ओके, तो हम क्या कहेंगे, देखिए दो है और ये कॉम्प्लेक्स है, तो हमने क्या कहा, बिस। ठीक है, जब बिस लिखेंगे तो बिस के बाद जो लिखेंगे हम वो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, किसको, लिगेंड को, जो कॉम्प्लेक्स लिगेंड है उसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। देखिए दो है, क्या है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल, फिर हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, फिर आयरन, आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस टू है। अब इसको देखिए, देखिए इसमें क्या है, अब क्लोरो है और इथाइलिन डायमिन है, तो क्लोरो का नाम पहले आएगा, कितने हैं, दो हैं, डाइक्लोरो, डाइक्लोरो। अब इथाइलिन डायमिन कॉम्प्लेक्स लिगेंड है, तो बिस कितने हैं, दो बिस, फिर हमने ब्रैकेट में इथाइलिन डायमिन का नाम लिखना है, फिर क्या हो गया, प्लेटिनम सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए डाईमिथाइल मरकरी सेकेंड, तो आप देख रहे हैं नाम हमें एक साथ लिख रहे हैं, इसमें कोई भी ब्रेक नहीं है। ओके, अब ये जो हमने ब्लू कलर से जो कॉम्प्लेक्स दिखाए हैं, इनमें जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो नेगेटिव है, और जो यहाँ पर जो स्पीसीज जुड़ी है, देखिए काउंटर आयन सारे पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हम जो ये सेंट्रल एटम है उसके नाम के आगे एटीई जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर पोटेशियम पहले आएगा, देन टेट्राक्लोरो मर्क्यूरेट सेकेंड, एट लगा दिया हमने, क्योंकि इन सब में क्या है, नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इनके साथ जो स्पीसीज जुड़ी है वो क्या है, पॉजिटिव है। अब देखिए एफई एफई सी एन सिक्स, तो एफई एफई आयरन हेक्सासाइडोफेरेट, ऊपर कितना चार्ज है, थर्ड। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये इस तरीके से हम नोमेनक्लेचर करेंगे, पहले किसका लिखेंगे, पॉजिटिव आयन का। अब ये जो कॉम्प्लेक्स हमने लिखे हैं, यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि बाहर क्या है, नेगेटिव स्पीसीज है, सल्फेट है, सल्फेट के ऊपर दो नेगेटिव चार्ज, तो कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज, ये इनके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो आप ईएम यहाँ पर, या तो हम सीधे सीधे हम आयन लिख सकते हैं, या हम ईएम का यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, पॉजिटिव पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट है, तो पहले हम नाम इस पॉजिटिव पार्ट को देंगे। अब इस पॉजिटिव पार्ट में देखिए लिगेंड, एक तो ये अमीन लिगेंड है और एक है एजिड। ओके, तो ये क्या है, पेंटा अमीन, क्योंकि ए पहले आएगा, ठीक है, फिर एजिडो, ठीक है, कोबाल्ट, थर्ड इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, देन सल्फेट, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव का नाम क्या आएगा, बाद में आएगा। अब आप इसको देखिए, इसमें हमने क्या देखना है, ये अमीन का नाम पहले आएगा, डाई अमीन, फिर एक इथाइलिन डायमिन, इथाइलिन डायमिन क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स है, तो इसको कॉम्प्लेक्स वाले लिगेंड को हम ब्रैकेट में लिखते हैं। ओके, और फिर कॉपर, एंड देन सेकंड ब्रोमाइड, ये जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है उसका नाम क्या आएगा, बाद में आएगा। तो इस तरीके से हम इनको नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। अब कुछ कंपाउंड ऐसे हो सकते हैं हमारे पास जिसमें कॉम्प्लेक्स, जो कैटायन है वो भी कॉम्प्लेक्स है और जो एनायन है वो भी कॉम्प्लेक्स है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये जो पार्ट है, ठीक है, इस पार्ट के ऊपर है पॉजिटिव टू चार्ज और इस पार्ट के ऊपर है पॉजिटिव टू माइनस टू चार्ज। तो आप देखिए पी टी एन एच थ्री होल फोर, इसके बाहर क्या चार्ज है, टू प्लस। ओके, और जो दूसरा जो है पी टी सी एल फोर, इसके ऊपर क्या है, माइनस चार्ज। तो अब ये भी कॉम्प्लेक्स है और ये भी, यानी कैटायन भी कॉम्प्लेक्स है और एनायन भी कॉम्प्लेक्स है, जबकि आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर कैटायन कॉम्प्लेक्स है और एनायन क्या है, सिंपल है। यहाँ पर आप देखेंगे जो जो कैटायन है वो सिंपल है और एनायन क्या है, कॉम्प्लेक्स है। ये जो एग्जाम्पल है, ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ पर जो
कैटायन है वो भी कॉम्प्लेक्स है और जो एनायन है वो भी कॉम्प्लेक्स है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, पहले तो हम कैटायन को नाम देंगे फिर हम एनायन को नाम देंगे, ठीक है। अब कैटायन का नाम अब देखिए कितने अमीन है, चार, टेट्रा अमीन प्लेटिनम की, प्लेटिनम के ऊपर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, प्लस टू। फिर इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम क्या है, टेट्रा क्लोरिडो। देखिए टेट्रा क्लोरो या क्लोरिडो, प्लेटिनेट आएगा क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है और सेकेंड है, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे तो एक एक कॉम्प्लेक्स आयन ये है, एक कॉम्प्लेक्स आयन ये है, ये एनायन है और ये क्या है, कैटायन। तो पहले नाम किसका आएगा, इसका आएगा। तो क्या हो गया, देखिए पेंटा अमीन, ठीक है, पेंटा अमीन आइसोथायोसाइनेटोक्रोमियम थर्ड। फिर इसका नाम आ जाएगा टेट्रा क्लोरी क्लोरो जिंकेट सेकंड, क्योंकि जिंकेट इसलिए आए क्योंकि क्या है, नेगेटिव स्पीसीज है। तो इस तरीके से आप देखेंगे पहले हमें कैटायन का नाम लिखना है और फिर हमें किसका लिखना है, एनायन का नाम लिखना है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो चाहे वो सिंपल हो। फिर हम देखेंगे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहां पर ब्रिजिंग लिगेंड है और आप देखेंगे कि ये देखिए यहाँ पर ब्रिजिंग लिगेंड है OH, ओके। ये जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर ये आयरन है, ये भी आयरन है, ये अगर आप देखेंगे तो NH3 चार NH3 जुड़े हैं, ये क्या है, सल्फेट। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये इसके बाहर से क्या है, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है। तो मैंने आपसे कहा कि जब भी कोई ब्रिज्ड स्पीसीज होगी तो हम क्या करेंगे, म्यू। अब देखिए हमने क्या लिखा, इसके नाम कई तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके नाम जो हम लिख सकते हैं इसमें हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पर जो हमने नाम लिखा है वो एक्वा कॉम्प्लेक्स का लिखा है, तो यहाँ पर मतलब ये जो नाम लिखा है उसी के हिसाब से फिर हम अमोनिया का भी लिख लेंगे। ये हमने यहाँ पर जो अमोनिया की जगह पर जो नाम दिया हुआ है वो इसका दिया हुआ है H2O4 का, ओके। तो अगर ये अमीन ग्रुप की जगह पर अगर ये वाटर मॉलिक्यूल होगा तो देखिए क्या नाम पड़ेगा इसका, ऑक्टा एक्वा। क्यों कहा हमने, चार एक्वा ये है और चार एक्वा ये है इस NH3 की जगह पर अगर हम रखते हैं तो ऑक्टा एक्वा। फिर क्या है, µ-µ-dihydroxo। देखिए ब्रिजिंग पोजीशन पर दो हाइड्रोक्सो है तो हम इनको साथ लिख सकते हैं, डैश डाई आयरन। देखिए एक आयरन ये है, एक आयरन ये है, डाई आयरन। आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो थर्ड है क्योंकि एक इसकी है माइनस, ठीक है, और ये सल्फेट है इसमें दो जुड़े हुए बाहर से, तो एक आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो कितनी आ जाएगी, थर्ड सल्फेट। फिर किसका नाम आएगा, सल्फेट का। तो जो पहले जो हमने नाम दिया है वो कैटायन को दिया है। यह हम इसका नाम कैसे लिख सकते हैं, हम देखिए इसका अलग लिखे, हम क्या लिख सकते हैं इसका, अब हमने इसको देखिए हमने अमीन और एक्वा दोनों को रखते हुए नाम दिए हुए हैं, अगर यहां पर अमीन है तो क्या कहेंगे, टेट्रा अमीन। देखिए टेट्रा ये वाला पार्ट हमने ले लिया, टेट्रा अमीन आयरन थर्ड, फिर µ-dihydroxo, फिर हमने इसका नाम दे दिया टेट्रामीन आयरन थर्ड। तो हम क्या कर सकते हैं, कई तरीके से इसको नाम दे सकते हैं, बट जो ब्रिजिंग में जो लिगेंड्स होंगे उनको हमने म्यू से दिखाना है, ठीक है। अब आप इस वाले कंपाउंड को देखिए, यहाँ पर कोबाल्ट है और अमोनिया है, ठीक है। अब यहां पर जो हमने नाम, हम देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, हमने पहले क्या लिख दिया, µ-dihydroxo, दो हाइड्रोक्सो है जो कि ब्रिजिंग पोजिशन पर है, µ-dihydroxo ऑक्टा अमीन। देखिए चार ये हैं और चार ये हैं, ऑक्टा अमीन कोबाल्ट डाई कोबाल्ट, दो कोबाल्ट है, थर्ड नाइट्रेट। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं और हम चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कितने हैं, हम लिख सकते हैं ऑक्टा अमीन, हम क्या लिख सकते हैं, ऑक्टा अमीन, क्योंकि चार ये हैं और चार ये हैं, ऑक्टा अमीन। फिर µ-µ-dihydroxo मतलब दो क्या है, हाइड्रोक्सिकल ग्रुप है जो कि ब्रिजिंग पोजिशन पे है, डैश डाई कोबाल्ट थर्ड नाइट्रेट। तो हम इस तरीके से कई सारे नाम लिख सकते हैं, हम चाहे इस वाले पार्ट को लिखें यानी टेट्रा अमीन कोबाल्ट थर्ड µ-dihydroxo डैश, उससे पहले भी डैश आएगा, देन टेट्रा अमीन कोबाल्ट थर्ड नाइट्रेट, ये भी हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से ब्रिजिंग लिगेंड का मतलब एक्चुअल में जो मेन जो पार्ट है इसका ये है, और अगर ये सिमेट्रिक हैं तो हम एक साथ भी इनको ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इथाइलिन डायमीन है दो, तो हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि टेट्रा किस इथाइलिन डायमीन, देखिए एक दो ये हैं, दो ये हैं, चार हो जाएंगे टेट्रा किस इथाइलिन डायमीन म्यू, फिर डैश आएगा, फिर म्यू अमीन डैश µ-hydroxo, फिर डाइकोबाल्ट थर्ड सल्फेट या क्लोराइड, जहां पर क्लोराइड होगा ये यहाँ पर क्लोराइड आ जाएगा, ओके क्लोराइड। तो इस तरीके से हम
क्या कर सकते हैं, कई तरीके से इनके नॉमेनक्लेचर, चाहे तो हम इसको पूरा एक साथ मतलब दोनों को वर्ड को साथ मान लें और इसको साथ मान लें, या हम इतने पार्ट का नाम दें, हम कहेंगे बिस इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट थर्ड डैश म्यू अमीडो डैश म्यू हाइड्रोक्सो डैश, फिर हम बिस इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड कहते हैं। तो इस तरीके से हम दोनों तरीके से इसको नाम दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को नाम दे सकते हैं। तो उसके लिए एक जिस्ट मैं आपको ये वाला फिर से दिखा रही हूँ कि जब हम नाम देते हैं तो हम पहला जो स्टेप करते हैं पॉजिटिव आयन को नाम देते हैं। पॉजिटिव आयन सिंपल हो सकता है या वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ओके, फिर हम किसको देते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर को, यानी नेगेटिव वाला पार्ट अभी नहीं आया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर को नाम देते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या है, लिगेंड और मेटल है, तो लिगेंड को पहले नाम देंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देंगे, प्रीफिक्स भी लगाएंगे। अब प्रीफिक्स अगर मोनोडेंटेड है तो हम डाइट्राई लगा देंगे, अगर वो बाइडेंटेड है या कॉम्प्लेक्स है तो फिर हम बेस ट्रिस टेट्राकेस लगा देंगे। फिर हम मेटल का नाम लिखेंगे और मेटल के बाद फिर पेरेंथेसिस में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। सो दिस इज सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप हम नेगेटिव पार्ट का क्या करेंगे, नाम देंगे। अब वो जो पॉजिटिव आयन है मे बी कॉम्प्लेक्स और मे बी सिंपल, नेगेटिव आयन मे बी सिंपल और मे बी कॉम्प्लेक्स और बोथ मे बी कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को नाम दे सकते हैं, जो कि यूपीएससी नेम है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग this video and for watching this video. Thank you very much.